संसद भवन नया बनाने का औचित्य क्या है? फिजूल खर्ची के अलावा उस दौर में जब कोविड के काल में आप लोगों की सहायता करने में 50,000 की राशि दे रहे थे, आपने सीधे तौर पर जो पुरखों की विरासत है उसके प्रति आपके मन में सम्मान का भाव नहीं है, आप केवल राजनीतिक कलाबाजी कर रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी भाग नहीं ली। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने नए संसद भवन यानी पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले, इसे लेकर के देश भर की राजनीति गरमाई हुई है। बता दें कि तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। अब तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का यानी नए संसद भवन का जो उद्घाटन समारोह होगा उसका भी बहिष्कार करने का ऐलान तमाम विपक्षी दलों ने कर दिया है। बता दें कि टीएमसी की प्रमुख यानी ममता बनर्जी से लेकर के आपके अरविंद केजरीवाल तक ने विरोध किया और अब तो बिहार से भी इसे लेकर के विरोध के स्वर उठने लगे हैं। बता दें कि सांसद मनोज झा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री को। बता दें कि अब इसी क्रम में जदयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की बीजेपी की सरकार के खिलाफ जो है बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं है, नया संसद भवन बनाने का कोई मतलब नहीं है, ये बेफिजूल की खर्च है और खर्च उस समय की जाती है जब कोरोना के वजह से देश ऐसी बदहाली का व्यवस्था देख रहा हो। क्या कुछ कह रहे नीरज कुमार, देखिए सबसे पहले तेजस्वी यादव ने भी इसका विरोध किया था। तेजस्वी यादव भी पटना एयरपोर्ट पर जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछते हैं कि नए पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन होने जा रहा है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, इस पर तेजस्वी यादव ने भी विरोध जताया था। इतना ही नहीं, राजद की तरफ से है सांसद मनोज झा, उन्होंने भी सुबह सुबह अपनी प्रतिक्रिया दी थी और अब जदयू की तरफ से भी इसे लेकर के विरोध किया जा रहा है। जदयू के प्रवक्ता हैं और एमएलसी हैं नीरज कुमार, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ये बेफिजूल खर्ची है और अगर उद्घाटन करना ही है तो आप इसे राष्ट्रपति के हाथों करवाइए, आप ना कि खुद यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने कहा है कि ना कि खुद आप आइए और किसी संसद भवन का यानी पार्लियामेंट हाउस का आप उद्घाटन करिए। क्या कुछ कह रहे नीरज कुमार, किस तरह से उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही साथ नए संसद भवन पर बीजेपी को घेरा है, क्या कुछ कहना है उनको, उनका आपको उनकी पूरी बातों को सुनवाते हैं। मुखे का अपमान तो आपका संस्कार रहा है। संसद भवन नया बनाने का औचित्य क्या है? फिजूल खर्ची के अलावा उस दौर में जब कोविड के काल में आप लोगों की सहायता करने में 50,000 की राशि दे रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी इसकी तीसरी पीढ़ी को माननीय नीतीश कुमार जी सरकारी नौकरियों में 2% क्षैतिज आरक्षण देते हैं, वह आप नहीं देते हैं। अग्निवीर जो देश के सैन्य पुरुषार्थ है उसको पेंशन देने के लिए आपके पास पैसे नहीं, महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, ऐसी स्थिति में आप नए संसद भवन में बनाने का जो हमारे पुरखों की विरासत थी, आपने सीधे तौर पर जो पुरखों की विरासत है उसके प्रति आपके मन में सम्मान का भाव नहीं है, आप केवल राजनीतिक कलाबाजी कर रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी भाग नहीं ली।